बस एक सिक्के का ये उपाय कर लीजिएगा, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। एक सिक्के का ये उपाय अवश्य करिएगा, कुबेर आपके भंडार को भर देंगे। क्या उपाय करना है? अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में नदी मिल गया, तो नदी को तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तीन चीज़ नदी को अवश्य अर्पण करें, चढ़ाइए। नदी के किनारे जाकर के दीपक जलाने का बहुत बड़ा फल है, दीपदान जिसे कहते हैं। नदी के किनारे दीप जलाएं और उससे आरती करें नदी का, और वहाँ पर रख दीजिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्य का, आपके परिवार में रहने वाले लोगों का उम्र बढ़ती। ये बात शायद आपको पता नहीं होगा, आज पता चला तो अवश्य ही इसका आप पालन करिएगा। दूसरे नंबर में नदी को चुनरी पसंद, चुनरी आप नदी को अवश्य ही चढ़ा दें, चुनरी अर्पण करें, चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके घर में रहने वाले लोग सदैव प्रसन्न रहेंगे, चुनरी अर्पण करें। तीसरे नंबर में नदी के सामने से आप कहीं जाते हैं, नदी के पास से गुजरते हैं, जैसे नर्मदा मैया के पास से होकर के हम लोग आते जाते रहते हैं, तो उस समय एक मुद्रा, एक सिक्का के साथ में, श्रीफल के साथ में एक सिक्का रख कर के अवश्य चढ़ा दें। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। नदी भगवान को भी बहुत प्रिय है, शायद इसलिए भगवान राम जी सरयू के किनारे, भगवान कृष्ण जी यमुना के किनारे, भगवान शंकर जी गंगा के किनारे, भगवान को भी नदी अत्यंत प्रिय है, इसलिए नदी का सम्मान करना चाहिए, नदी का पूजन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग, हम लोग नदी का अपमान कर रहे हैं, नदी को दूषित कर रहे हैं। एक तरफ हम नदी का पूजन करते हैं, भगवान राम ने, कृष्ण ने नदी के किनारे जन्म लिया, अवतार लिया, लेकिन आजकल हम नदी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। जितना भी कचड़ा होता है सब नदी में ले जा करके फेंक देते हैं, अपने घर के नाली को नदी में डाल देते हैं, नदी को गंदा कर दिया, काला कर दिया, मैला कर दिया। कहते हैं कि नदी में जब स्नान करो तो वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए, नाभि से नीचे वस्त्र धारण करके ही नदी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो अपमान हो जाता है। इन बातों का विशेष आप सब ध्यान रखिएगा, ये तीन चीज़ अवश्य अर्पण करिएगा, आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। प्यार से बोल दीजिए ना।